जानते भी होंगे धारवाड़ के हैं। बात मान लो, बिल्कुल माना बात, तुम घोटी करो बात, चलो काट दियो बात, मान लो लो बात करो बात। जो है आप फैसला नहीं रखते हैं, भैंस का पास में पैसा मांगते हैं और सौदा तुम्हारे सामने फूटा। नमस्कार सभी पशुपालक भाइयों को, आज दिनांक 13 अक्टूबर का दिन और रविवार दुनड़ का पशु मंडी देख रहे हैं। और दोस्तों दुनड़ का पशु मंडी में 10:30 बजे से 1 बजे तक काफी बारिश हुई और उसमें भैंसों के जो रेट है वो भी कम देखने को मिलेंगे। आगे हम चर्चा करेंगे सचिन पटेल से। तो देख सकते हैं भैंसे अभी काफी खड़ी है, 10:30 बजे पहुंच गए थे मंडी में, तभी से पानी गिर रहा है और अभी समय 1 बज रहे हैं। 1 बजे वीडियो स्टार्ट होगी, 2 पार्ट लेकर आने वाले थे हम आज बाजार में, पर काफी जो है वीडियो अभी टाइम इतना मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा, तो एक ही पार्ट आप देखिए, बाकी कल कोशिश करेंगे घोसला बाजार से आपको 2 वीडियो दिखाने की। भैंस बाजार से अभी 1 बजे का समय हो रहा है और जानते हैं जो भैंसे हैं किस रेट में कैसे क्या मिल जाती है। इस वाली भैंस का भी सौदा भी लग रहा है, तो जानेंगे कि क्या कीमत इसकी डिमांड रखी जाती है और किस कीमत तक हमें ऐसी भैंस मिल जाती है और दूध कैपेसिटी इसकी क्या रहने वाली है। तो देख सकते हैं वो पशु है, इसके मालिक से हम चर्चा करेंगे अभी। तो दोस्तों इसका अभी सौदा भी लग रहा है, अभी लगे हुए हैं, इसके ग्राहक यहीं पे अवेलेबल है। भैया क्या चल रहा है, सौदा चल रहा है उसका? क्या डिमांड रखी आपने इसकी? 85 मांगे भैया। 85 मांग रखी है। तो देख सकते हैं दोस्तों दूध कितना होगा भैया? 5.5 किलो है। 5.5 किलो जी, तो नीचे है ये वाली बच्ची और दोस्तों 5.5 किलो के आसपास में दूध है। 85,000 इन्होंने डिमांड रखी है, जो कि बैठक में सौदे में हो जाए रेट। ये वाली भैंस अभी सामने देख रहे हैं, ये भैया लेकर आए हैं, इस वाली का सौदा चल रहा है, तो रेट और कम हो जाएंगे। एक जो डिमांड है इन्होंने वो एक अनुमानित तो बताई गई है, अच्छी है पाड़ी, शायद दूसरे ब्यात में अभी जनी है। ये वाली बच्ची है नीचे, कहाँ से आए हो आप? अच्छा, जिला इंदौर तहसील महू जी। भैंस लेने आयो जमरी, ये वाली आप ही देख रहे थे? जी अच्छी लग रही है, ठीक है। अच्छा पहले ले गए थे यहाँ से? बिल्कुल जी। कैसे क्या निकलती है? दुंदड़का मंडी की भैंस। अच्छा दुंदड़का की भैंस अच्छी निकलती है, ठीक है भैया धन्यवाद। आप सभी साथ में ही हो? सभी साथ में जी। तो सचिन भैया आज का मार्केट कैसा क्या रहा? अभी पानी थोड़ी देर पहले ही बंद हुआ है। सबसे अच्छा मार्केट जी, पानी के कारण बहुत मद्दा बाजार गया आज से। अच्छा काफी मद्दा गया, 10 बजे से पानी गिर रहा है, 12:30 बज गए। कीमत है वो भी थोड़ी डाउन गई है। तो भैया कैसे क्या जो आज आपने भैंसे दिलाई, कैसे क्या भैया? बढ़िया आज तो, क्यों मद्दी है देख लो, भैंसे सब खड़ी है, 1 बज गई है जी, पर सब भैंसे खड़ी है देख लो, पहले बाजार में पूरा कैमरा घुमा के जी, टोटल भैंसे खड़ी है देख सकते हैं दोस्तों सभी। अभी पूरा मार्केट है, अभी थोड़ी चहल पहल चालू हुई है थोड़ी देर पहले से। भैंस अगर लेनी है तो अभी मजे है जी, क्योंकि सब किसान अभी काम में लगा हुआ है, सोयाबीन की फसल में लगे हुए हैं। पिछले सप्ताह आपने जो मयंक भैया इंदौर वाले को भैंस दिलाई थी, उनका रिव्यू लिया था मैंने, बढ़िया है। जो दूध आपने बताया था लगभग उस कैटेगरी पर पहुंच गई है, आपने 4.5-5 किलो के आसपास में शायद बताया था, और उनसे बात हुई थी, वो बोल रहे थे कि अभी 4.5-5 के आसपास में अभी लगा रही है, अभी तक पहुंच चुकी है और आगे मतलब दूध कैपेसिटी उसकी बढ़ जाएगी, 5 से प्लस ही निकालेगी वो। फोन आया था देखो जी, तो जिसकी भैंस थी उसने तो 6.5-7 किलो बताया था जी, पर मैंने भैया को बताया था भैया 5 किलो निकालेगी, 5 किलो भैया का भी फोन आया था, 5 के लगभग पहुंच गई है भैंस जी। हाँ और वो बोल रहे थे कि अभी मतलब 1 सप्ताह हुआ है भैंस को ले जाए हुए यहाँ से, बाकी अभी और जो 5 किलो से ऊपर ही निकालेगी, 5.5 तक निकाल सकती है वो, 5.5-6 के आसपास में। ठीक है भैया, तो काफी बढ़िया भैंस दिलाते हैं दोस्तों सचिन पटेल। फोन आया था मेरे पास, वो भी अगले बाजार आएंगे जी। हाँ। पिछले बाजार जो लेकर गए थे 2 भैंस, और भैया जो देपालपुर से वो एक भैंस लेके गए थे वो उनसे बात हुई थी। हाँ। जी वो अगले बाजार यहीं से लेंगे, खरीदना हो तो देख सकते हैं इनका जैसे रिव्यू। मयंक जी दुबे हैं, उन वो भी कमेंट सेक्शन में जो पशु खरीदते हैं तो वो बताते हैं कि जो क्या है, कितना दूध निकाला, क्या कैपेसिटी रही, तो आप उनसे भी बात कर सकते हैं जो खरीददार हैं। ठीक है भैया, तो धन्यवाद आपका। देखो मेरे कहने से कुछ भी नहीं होगा भैया, जो लेके गए हैं जी, कमेंट में उनसे पूछना कि कैसी क्या निकलती है सचिन भैया जो भैंस ला जी भैया, बात यही है जी। तो भैया यदि आप मारवाड़ तरफ यदि कोई वहां से खरीदना चाहे तो आप जा सकते हो साथ में? हाँ भैया, क्योंकि दोस्तों हमारे सजी हुई थाली है किसान की, अभी तभी मतलब काम में लगा हुआ है। भैंस ले थी भैया आज, 3 भैंसे दिलाई जी, 63 के भाव की और 62 के भाव की दिलाई। अच्छा मतलब रेट अच्छा अभी है? हाँ अच्छा चल रहा है, कम चल रहा है, मतलब अभी अपन
चार पांच सप्ताह पहले, एक डेढ़ महीने पहले की बात करें, जो 65,000 वाली है वो 70-72,000 73,000 में पड़ती होगी जी। तो दोस्तों आपको भी पशु इनके माध्यम से खरीदना है तो आप जुड़ सकते हैं, जो नंबर आपको डिस्प्ले पर शो हो रहे हैं, काफी अच्छी भैंस दिलाते हैं सचिन भैया। दोस्तों पशुओं की हम बात करें, बाजार काफी बड़ा है यहाँ, भैंसों की जो है कोई कमी देखने को नहीं मिलने वाली है, जो है पूरी तरह से यहाँ का जो बाजार है लबालब भरा रहता है हमेशा। अभी हल्की फुल्की जो बूंदाबांदी है वो भी चल रही है। आप अभी की बात करें, करीब 2-2.5 घंटे से हम वीडियो शूट नहीं कर पाए, वो स्थिति बनी हुई थी। बाजार की स्थिति देख सकते हैं आप, जो किस प्रकार का है मार्केट है अभी लग रहा है। और दोस्तों जो ये वाली भैंस है इसको देखते हैं हम कि कहाँ का है पशु, शायद मारवाड़ का लग रहा है जानवर, और बच्चा सामने अभी आप देख पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। देखिए दोस्तों वाटर क्वालिटी। दोस्तों जो हमारी वीडियो है वो आपको जो है हमारी लैंग्वेज है या और किसी भी प्रकार से वीडियो जो बनाने का तरीका है वो कुछ समझ में आपको नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, जिससे हम यदि आपकी बात को हम समझ पाते हैं तो अगली वीडियो से जो हम वीडियो तैयार करते हैं उसमें भी कुछ सुधार लाएंगे। देखते हैं जो किस वाली पशु का, शायद जो हमने अभी बताई आपको वीडियो के माध्यम से उस वाली का सौदा नहीं चल रहा है, बाकी किसी और वो जो वो वाली भैंस देख रहे हैं ये वाली उसका सौदा लग रहा है अभी। आज और तो ज्यादा मारू पर से नहीं निकले, यही वे तो वेतन की लगाए ले बच्चों ने। दोस्तों उस वाली भैंस का भी सौदा लग रहा है, लाइव स्थिति बनी हुई है, शायद सौदा हो भी सकता है। हो गई कितने में हुआ? 3.80 में। तो देख सकते हैं 70,000 के लगभग इस वाली भैंस का सौदा हुआ है। किसने, खरीदार कौन है? अच्छा ये खरीदार, आपने खरीदी? कहाँ से आए हो? पचलासी। जिला उज्जैन। शुभ नाम आपका? कमल पाटीदार। कमल जी पाटीदार, ठीक है भैया। कितने में हुआ सौदा? 3.70 में। 3.70 में देख सकते हैं 67,000 रूपए में इस वाली भैंस का सौदा हुआ है, जो पचलासी से पहुंचे हैं पाटीदार जी, इन्होंने खरीदी है 67,000 रूपए में। जी भैया कहाँ का है भैंस का जंगल? राजस्थान, नागौर जिला का। तो भैया 5 किलो के आसपास बता रहा हूँ। 5 किलो दूध अभी हाजिर है जी, ठीक है। दोस्तों देख सकते हैं अभी जो मिल्किंग है वो, इसकी जो मिल्किंग टेस्टिंग की जा रही है, बच्चा है, बच्चा के देख सकते हैं थोड़े सींग आ चुके हैं, कुछ बच्चा थोड़ा सा हम बात करें तो बड़ा है। तो इस प्रकार पशु की जो है मिल्किंग देखी जाती है, यदि मिल्किंग करने में कोई दिक्कत आती है, कुछ भी स्थिति बनती है तो सौदा कैंसिल भी हो सकता है उसके बाद में भी। दोस्तों उसके बाद जैसे आप पशु खरीदते हो तो पहले आप क्लियर कर दीजिए कि यदि पशु में कोई भी सौदा होने के बाद भी कोई गड़बड़ी होती है पशु में तो हम वापस करेंगे, जो भी स्थिति हो आप पहले क्लियर कर लीजिए। क्या हालचाल है भैया? बहुत बढ़िया हालचाल है। अच्छा ये वाला बच्चा दोस्तों नीचे अभी सामने देखने को मिल रहा है आपको, काफी हाइट वगैरह अच्छी है, भैंस की बड़ी हाइट है और रिंग सिंग भी आपके सामने। तो इसका दूध कितना है? 7 लीटर दूध है। 7 किलो जी, तो 7 किलो के आसपास में इसका दूध बताया जा रहा है। अभी कुछ खड़े हैं जो लेवाल यहाँ पे लगे हैं, तो दिखाते हैं हम ऑर्डर क्वालिटी आपको पशु। ताजी जनी है भैंस, ताजा बच्चा दिख रहा है सामने, और मारवाड़ के जानवर है दोस्तों, जो प्रॉपर ये रहने वाले हैं ये भी मारवाड़ के ही है। एक ही बच्ची जब तो मैं नहीं करा के तुम करे तो मैं नहीं करा के जंदा बस तो हाँ हल दे कि तू कह दे भाई ये पैसा बच बच्चा छोड़ दे बोल बता। वीडियो भी हो रही है तुम्हारी? वीडियो भी बने, वीडियो चलेगा। पैसे अच्छे हो नहीं?
कितना लगा? तिरपन। तिरपन हजार। वो कितने बता रहे हैं? 60। दूध तो 7 लीटर बता रहे हो। अच्छा, देख सकते हैं 7,000 शायद इन्होंने बताया है फाइनल कीमत, सौदा नहीं हुआ है। 60,000 रुपए इन्होंने फाइनल बताए थे, देख सकते हैं जो कीमत बताई, अच्छी कीमत एक जो है बताई है इन्होंने। क्या हाल चाल है कालूबा? ठीक है साहब, ठीक है। अच्छा, आज कैसा क्या बाजार का माहौल? पानी भी गिर गया 2-3 घंटे से, ठंडा पड़ गया। ताजी भैंस है, देख सकते हैं जो कालूबा है, काफी लोग आप इनको जानते भी होंगे, धारवाड़ के हैं। बात मान लो, बिल्कुल माना बात, तुम घोटी करो बात, गलो काट दियो, बात मान लो, साल बात करो बात। अरे कौन भी 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 8,000 तुम मांग, 8 मांग लिया। ओ चाचा, नहीं मांगे ना बेरा, बेरा चाचा करो कल बात, बेरा 90 मांगा, लाओ बोलो दोस्तों। इनके पास में ऐसा है कि जो कीमत है ज्यादा नहीं बताते, एक लगभग लगभग जो सटीक कीमत ही बताते हैं, उससे थोड़ा बहुत 1,000-2,000 तो ऊपर नीचे बताते हैं। ये पहले 10-20,000 वाला जो है कीमत वो नहीं रखते हैं। फिर क्या हाट पे जब तक लगा हो गया, कितने में हुआ भैया? 60,000। दोस्तों 60,000 में जो है आप फैसला नहीं रखते हैं, भैंस का पास में पैसा मांगते हैं और सौदा तुम्हारे सामने फूटा। जी वही मैं बोल रहा था, अभी वीडियो में बता रहा था कि जो कीमत है लगभग लगभग सटीक ही बताते हैं, ज्यादा वो मांग तांग नहीं रखते हैं जो कालूबा की भैंसे हैं। दोस्तों आप यदि नॉलेज नहीं हो तो आप डायरेक्ट भी जैसे आते हैं तो इनके पास में एक जानकारी के लिए, अनुभव के लिए आ सकते हैं। ज्यादा जो कीमत है वो करते नहीं है, जैसे आप मान के चलिए कि 80,000 के भैंस के एक बीस नहीं मांगेंगे। तो एक ये वाली है, जो ये वाली भैंस भी इनकी अभी अवेलेबल है यहाँ पे, इसकी कीमत है, हम जानेंगे कि क्या कीमत रखते हैं कालूबा की भैंस से। और सामने अभी बच्चा खड़ा है ये वाला। दोस्तों इसके पास में हम दूध कैपेसिटी की बात करें, करीब 5 किलो के आसपास में, 4.5-5 किलो के आसपास में इस वाली के नीचे भी दूध होगा, देख सकते हैं वाटर क्वालिटी से दिख रही है। तो इस वाली की क्या अनिका का ही मांगी रहा? अनिका 90,000। 90। तो इस वाली की डिमांड रखी है दोस्तों 90,000, बाकी जो है और रेट बैठक में और रेट कम हो जाएंगे, एक सिर्फ डिमांड है। बाकी इस वाली का फाइनली आपको लाइव सौदा बताया है, उसी में भैंस फाइनल हुई है। क्या हाल चाल है भैया? बस बढ़िया है। अच्छा, कहाँ से पहुँचे हो आप? बंडर तहसील गाँव उमरिया से। अच्छा, भैंस बेचने आये हो? नहीं, लेने आये हो जी। तो देखी कोई अभी? हाँ देखी। अच्छा, कौन सी वाली? ठीक है भैया, क्या नाम है? सिकंदर जी। दोस्तों एक ये वाली भैंस सामने बच्चा दिख रहा है, इसकी जानकारी देते हैं। अर्डर क्वालिटी देख लीजिए पहले आप, जो देख सकते हैं काफी जो बारिश हुई उसके बाद में धूप की स्थिति भी बन रही है यहाँ पे। अभी छांव देख सकते हैं, धूप निकल गई है। समय की बात करें तो समय 1:31 हो रहे हैं, देख सकते हैं आप। एक बार मांग रहे
दोस्तों इस वाली भैंस की जो बात करूं 71-72 हजार के आसपास में लग रहे हैं इसके, तो देखते हैं किस कीमत तक छोड़ते हैं ये जो पशु के मालिक है और कहां का इनका भैंस का जंगल है। करीब दूध की इसकी बात करूं, ये भी 4.5-5 किलो के आसपास की भैंस है। दोस्तों 71-72 हजार तक इसके इन्होंने लगा दिए हैं जो खरीदार हैं इन्होंने। दोस्तों इस वाली भैंस के 95 हजार रूपए इन्होंने जो कीमत रखी है डिमांड, बाकी 71-72 हजार तक इसके लगा दिए जो अभी खरीदार सौदा कर रहे हैं इसका इन्होंने। एक ये वाली देखिए, इसका अभी सौदा हो चुका है बाजार में। दोनों वो एक और पास में खड़ी है वो दोनों का जी, तो दोनों भैंस जोड़े में बिकी है। क्या कीमत रहने वाली है बिल्कुल भी आप वीडियो को स्किप ना करिए, पूरी जो है आपको जानकारी देते हैं। जापन भैंस है दोस्तों, सचिन भैया क्या हाल चाल है? अच्छा घूम रहे हो बाजार में, अभी कोई है क्या? अच्छा एक वो वाली जो अभी देख रहे थे, एक ये वाली, दोनों पशुओं का जोड़ा सेल हुआ है। तो दोनों भैया कितनी कच्ची है ये दोनों, कितना कितना समय लेगी ये? 8-10 रोज लेगी जी। तो कितने में हुआ सौदा इनका? 1,51,000 में दोनों का जी। और कहाँ की है वैसे? जी जाएगी खरगोन, खरगोन जाएगी। खरीदार कौन आप हो? जी क्या नाम है आपका? असलम। असलम जी, अपने घर के लिए खरीदी के भैया? व्यापार के लिए। ठीक है भैया धन्यवाद। देख सकते हैं जो दोनों भैंस का जोड़ा है दोस्तों, 1,51,000 रूपए में इनका सौदा हुआ है जो अभी सामने दोनों आपको बताई, और करीब 8-8, 10-10 दिन के लगभग दोनों भैंसे कच्ची है। दोस्तों देखो आपको जो कम बजट वाली भैंसे भी हम आपको बताते हैं इस वीडियो में, तो बहुत सारे हमारे भाई लोग होते हैं कि जो हमें 50-60 हजार 65 हजार के लगभग की भैंसे भी बता है, तो इस प्रकार की भैंसे हम दिखाते हैं, इनके पास में भी अवेलेबल हैं। तो ये वाला बच्चा है सामने जो भी आपको दिख रहा है इस वीडियो के माध्यम से, ये क्या हाल चाल है आपकी? ये भैंसे आपने जी, तो ये कहाँ की है भैंसे, जंगल कौन सा है? मेड़ता जंगल। तो जी तो भैया इसकी क्या कितना दूध दे सकती है? 5 किलो तैयार होने के बाद, अभी तो नहीं लग रही है अभी। 4.5 साल जी। तो भैया क्या डिमांड रखी है आपने इसकी, कीमत क्या मांग क्या रखी? 80 हजार। 80 हजार रुपए इसकी जो जी कीमत रखी है, बाकी जो भी इस बैठक में सौदे में हो जाए भैंस की बात करें शायद दूसरे ब्यांत के आसपास की भैंस होगी ये। और एक ये वाली देखिए जी, ये मेड़ता जंगल की है, मेड़ता सिटी। तो देखते हैं इस वाली की जो है दूध कैपेसिटी शायद हो सकती है 3-3.5 किलो के आसपास में, नई बच्ची है। भैया कितने दांत में? 2 दांत 3 दांत 4 दांत जी, तो काफी बढ़िया है, 4 दांत में है शायद, और नई बच्ची है, नई पाड़ी है, दूध कैपेसिटी शायद ये निकाल सकती है 3-3.5 किलो के आसपास में। तीन दांत है भैया? अभी 3 दांत है जी। ये वाला बच्चा है ना,
भैया इसकी कीमत चार दांत है। हाँ चार दांत है, पार्टी दो दांत है। वो वाली कीमत तो मीडियम दल है। कीमत मान क्या है बाबू जी इसकी? इसका तो है 70,000 जी, इसका है 75,000। दोस्तों इस वाली का 70,000 रुपए इन्होंने बताए हैं और इस वाली का जो भैया 80,000 बता रहा था 75,000 बताए। और जो बैठक में सौदे में जो रेट हो जाए कम हो जाएंगे। अनुमानित डिमांड बताई गई है कि जो मंडी में इनकी क्या जो है कीमत लगाई जाती है या रखी जाती है। इनमें से किसी भैंस को देख रहे हैं, शायद किसी को चाहिए जरूरत होगी या किसी का फोन आया होगा इन्हें। दोस्तों जो पशु सेल मतलब हम दोपहरवाद की स्थिति बताते हैं, यदि सुबह सुबह जो कीमत जो मांगी जाती है और दोपहरवाद, उसमें दोनों में काफ़ी अंतर रहता है। यदि दोपहरवाद पशु सेल नहीं होता है तो कुछ कीमत कम करके भी पशु को सेल करने की कोशिश की जाती है कि जो व्यापारी भाई लेकर आते हैं वो चाहते हैं कि अपना पशु वापस घर ना जाए, भले थोड़े बहुत उनको मुनाफा कम मिले या थोड़ा बहुत घाटा भी हो, तो पशु को ज़्यादातर वो कोशिश रखते हैं कि बाज़ार में उनका पशु बिक जाए। तो देख सकते हैं इस वाली भैंस की, इसकी भी कदकाठी अच्छी है, बढ़िया है, रिंग सिंग देख सकते हैं आप। आंचल देख सकते हैं दोस्तों, आज है पशु लगभग आपको सभी मारवाड़ के जानवर हम बता रहे हैं। तो इसकी अदर क्वालिटी आपको बता दी है। भैया क्या हालचाल है? अच्छा कहाँ की है भैया भैंस? नागौर की। नागौर की। और कितना दूध होगा, क्या कैपेसिटी होगी? 5 किलो के आसपास होगा, 5 से 6 लीटर 5 से प्लस है। तो भैया क्या डिमांड रखी है आपने इसकी, क्या कीमत लगा रहे हो? 1,20,000। अब देख सकते हैं 1,20,000 डिमांड रखी है इन्होंने। और कहाँ तक हो जाएगी भैया, एक अनुमान बताइए कि क्या इच्छा है आपकी, कहाँ तक बेच दोगे इसको, कहाँ तक बिक सकती है आपके अनुमान से? 95,000। ठीक है भैया धन्यवाद। देखिए आप जो भैया ने अच्छा जो है कि कीमत बताई है 95,000 रुपये इसके बताए हैं, 1,20,000 इसकी डिमांड करी थी, करीब 30,000 रुपये जो भैया ने जो मांग रखी थी उससे कम बताए हैं। ठीक है भैया धन्यवाद। आप कहाँ से हो? नागौर से। नागौर से जी। कितने पशु लाए थे आज? 10। तो आज का थोड़ा बाजार जो पानी जो गिर गया इसकी वजह से थोड़ा कुछ असर दिखा रेट में। दोस्तों धुंधड़का का जो बाजार है काफी बड़ा बाजार है, मध्य प्रदेश का एक मशहूर बाजार जो हर रविवार के दिन लगता है और ये मंदसौर जिले में आता है मध्य प्रदेश में। प्रत्येक संडे के दिन लगता है, सुबह 7-8 बजे से बाजार चालू होता है, रात को भी वैसे पहुंच जाती है, शनिवार के दिन शाम को यहाँ पे कुछ और करीब 4-5 बजे तक शाम तक यहाँ पर ऐसा ही बाजार देखने को मिलता है। 1-2 बजे तक काफ़ी तगड़ा बाजार रहता है, उसके बाद धीरे धीरे पशु सेल भी होने लग जाते हैं, धीरे धीरे कम होने लग जाते हैं। तो आप यदि पशु खरीदना चाहते हैं तो एक बार विजिट कर सकते हैं धुंधड़का का बाजार। काफ़ी अच्छी अच्छी भैंसे आती है, मारवाड़ के काफ़ी जानवर आते हैं और ऐसा तो नहीं है कि 100% आपको मारवाड़ के ही मिलेंगे, कुछ अब हर क्षेत्र में हर अलग अलग जगह पे जो कुछ बाजार लगते हैं वहाँ पे कुछ लोकल जानवर भी आते हैं और बाहर से भी आते हैं। तो इस वाली भैंस को दिखाते हैं हम आपको। दोस्तों इस वाली भैंस का भी सौदा लग रहा है, तो गाबन भैंसे सारे कदकाठी अच्छी है, बढ़िया है, शायद तीसरे या चौथे में आते में होगी शायद, रिंग सिंग देख सकते हैं आप, जो 8-10 दिन के लगभग और समय लेगी ये। भैया हाँ एक मिनट भैया, क्या कीमत है इसकी, क्या मांग रखी? 1,11,000। 1,11,000। कहाँ की है भैंस? तो बिलड़ा की जी। ठीक है भैया धन्यवाद। तो 1,11,000 इस वाली की डिमांड रखी है इन्होंने। एक ये वाली देखिए, इसकी भी जो है बॉडी स्ट्रक्चर काफी शानदार, बड़ी भैंस है, तो
इसकी जानकारी लेते हैं। क्या हालचाल है भैया? बहुत अच्छे हालचाल है। कहाँ से देती है? दिन भर का 17 लीटर, दिन भर का 17 किलो जो पशु मालिक के द्वारा दूध बताया गया है। भैया कहाँ की है भैंस? ये मेड़ता, मेड़ता सिटी की भैंस। देखिए आप, वो तो बढ़िया शानदार सा दूसरे में हाथ में होगी ये। तो भैया आप कहाँ से पहुँचे हो? हम नागौर जिले से। नागौर जिले से। तो ये कितना दूध दे सकती है, इसकी क्या क्या कैपेसिटी रहेगी? एक टाइम का 9 लीटर दूध है इसके पास। एक टाइम का 9 किलो, 8-9 किलो बता रहे हैं। और कीमत क्या लगा रहे हो? कीमत इसकी 1,40,000। 1,40,000। तो डिमांड तो 1,40,000 काफी जो ज्यादा बताई गई है। बाकी जो भी बैठक में हो जाए, कहाँ भैया कहाँ तक हो जाएगी, एक अनुमान बताइए कहाँ तक बिक सकती है, आपकी क्या इच्छा है, कहाँ तक छोड़ दोगे इसको? हम 1,25,000 में दे देंगे। 1,25,000, 1,25,000 इसकी दोस्तों डिमांड बताई गई है। यदि और सौदा होता है, रेट और कम हो जाएंगे, उनकी सिर्फ उनकी इच्छा है कि यहाँ तक अपना पशु सेल हो जाना चाहिए। अटर क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है, बेटर है, और पशु का बॉडी स्ट्रक्चर भी अच्छा है। कहाँ से हो तुम? नागौर से आए हो। देखिए काफी बढ़िया आर्डर क्वालिटी दिख रही है। देख ये जा रहा है जानवर इस प्रकार से। खरीदी क्या? हाँ खरीदी। कितने में? 81,000। तो देख सकते हैं 81,000 बता रहे हैं कीमत। बाकी दोस्तों मेरे को तो लगता नहीं है कि 81,000 में इस वाली में इसका सौदा हुआ है, कम में हुआ होगा। जो कीमत है थोड़ी बड़ा चढ़ा करके हमेशा बताई जाती है बाजार में। और ये जो है दलोदा जाता है रास्ता, ये इस साइड वाला जो 4 लेन रोड है जावरा मंदसौर वाला, यहाँ पे पहुँच जाता है। यहाँ से 3 किलोमीटर के आसपास में आगे इसी मार्ग पर ये बाजार लगता है, धुंधड़का का बाजार। ये वाले काफी बड़ा है दोस्तों, काफी क्षेत्र में फैला हुआ है बाजार।